हुआ कि आखिर खेसारीलाल यादव के तारीफ में क्या बोले पवन सिंह। उससे पहले एक बड़ा अपडेट बता दे रहा हूं कि पावर स्टार पवन सिंह का पावर पूरे देश में गूंज रहा है और पवन सिंह के खिलाफ काराकाट लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के 5 बड़े लीडर जो कि आ रहे हैं। जी आप सभी को बता दो कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि 24 तारीख को काराकाट लोकसभा क्षेत्र में आ रहे हैं, तो 25 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि पवन सिंह के खिलाफ चुनाव प्रचार करने 25 तारीख को काराकाट लोकसभा क्षेत्र में आ रहे हैं, तो 26 तारीख के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि जेपी नड्डा जी जो कि 26 तारीख को काराकाट लोकसभा क्षेत्र में आ रहे हैं, 28 तारीख को देश के गृह मंत्री अमित शाह जो कि पवन सिंह के खिलाफ काराकाट लोकसभा क्षेत्र में आ रहे हैं, और 29 तारीख को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि पवन सिंह के खिलाफ काराकाट लोकसभा क्षेत्र में आ रहे हैं। जी हां, ऐसा पहली बार हो रहा है कि बीजेपी के 5 बड़े लीडर जो कि किसी एक प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं, यानी कि पवन सिंह ने अपना पावर दिखा दिया है। और आप सभी को बता दूं कि इन सभी लोगों को जवाब देने के लिए पवन सिंह जो कि अपना एक हथियार को बुला रहे हैं, उस हथियार का नाम है खेसारी लाल यादव। आप लोग एक बार वीडियो देखिए। आप लोगों ने वीडियो देखा कि पवन सिंह नॉमिनेशन में ही बोल दिया था कि सब पे भारी ये दो बिहारी पवन एंड खेसारी, तो पवन सिंह इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब मुझे अपने हनुमान को बुलाना है। तो आप सभी को बता दूं कि 28 तारीख को खेसारी लाल यादव की एंट्री जो कि हेलीकॉप्टर से हो रही है। जी हाँ, पवन सिंह की टीम से खुलासा किया गया है कि खेसारी लाल यादव जो कि 28 तारीख को काराकाट लोकसभा क्षेत्र में आ रहे हैं, वो भी हेलीकॉप्टर से, क्योंकि खेसारी लाल यादव काराकाट के 6 विधानसभा में घूमेंगे, वो भी हेलीकॉप्टर से। जी हाँ, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव दोनों लोग जो कि एक साथ हेलीकॉप्टर से काराकाट के 6 विधानसभाओं में भ्रमण करेंगे, और सबसे पहला एंट्री खेसारी लाल यादव का होगा विक्रमगंज में। जी हाँ, विक्रमगंज में खेसारी लाल यादव और पवन सिंह जो कि हेलीकॉप्टर से एंट्री करेंगे, वहां पर टाइम बिताएंगे, और उसके बाद जितने भी ढेरी हो, नबीनगर हो, दाऊद नगर हो, हर जगह जो कि पवन सिंह खेसारी लाल यादव हेलीकॉप्टर से घूमेंगे, और रिपोर्ट के माने तो को रोड शो भी करेंगे। तो पवन सिंह ने बोल ही रखा है कि ये दो बिहारी सब पे भारी, तो पवन सिंह के साथ दिखने वाले हैं खेसारी 28 तारीख को, और ऐसा पहली बार हुआ है। और सच में पवन सिंह ने अपने पावर से पूरे देश को हिला रखा है। पवन सिंह का पूरा चर्चा जो कि इंडिया में हो रहा है, और आप लोग देख पा रहे होंगे कि बीजेपी के 5 बड़े बड़े लीडर, जी हाँ, प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री और बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष जो कि पवन सिंह के खिलाफ चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं। तो आप लोग ये रिपोर्ट कैसा लगा, और कितने लोग पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को एक साथ देखने के लिए बेकरार है, अपना राय जरूर ही कमेंट बॉक्स में बताइए, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते अगले वीडियो में एक नया न्यूज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।